अब तक आपने देखा लाखा एक बहुत ही टैलेंटेड परफॉर्मर है। उसकी पहलवानी का अलग दर्जे की पहलवानी, उसे नेशनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लाखा की पहलवानी के सामने राणा की पहलवानी पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। तू जो भी बोले साफ साफ बोल दे। साफ साफ बात यह है कि हमें बड़ों का मुकाबला करवाना चाहिए। अगर वो जीत जाती है तो उसे अखाड़े पर ट्रेनिंग देने की इजाजत दी जाए। अगर वो हार गई तो उस हार का खामियाजा लकी और रघुवीर जी दोनों को उठाना होगा। इस छोरी की आप बात कर रहे हो, वो है कौन? फोगाट जी की छोरी। अब आगे फोगाट जी की छोटी छोरी बबीता फोगाट। बबीता फोगाट माझी, यो तो वही छोरी से ना जिन्होंने देश विदेश ना जाने कितने सारे मेडल जीते से। अरे अच्छे अच्छे भी इनके सामने पानी भरे से। माझी, वो आमिर खान की सुपर डुपर हिट पिक्चर आई थी दंगल, वो तो फोगाट परिवार पे ही बनी थी। हम इब उस छोरी बबीता के साथ बड़ों का मुकाबला होवेगा। ना, मैं फोगाट जी की बेटी के संग मुकाबला नहीं कर सकती। लकी जी मन माफ कर दीजिए, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। कोमल बेटा, किसी से माफी वाफी मांगने की जरूरत ना से। तू बबीता फोगाट के साथ कुश्ती न लड़ेगी। भाभी, अगर आपने ऐसा कैसा सोच लिया कि हमारी कोमल बिटिया जिसने अभी अभी कुश्ती लड़ना सीखना शुरू किया है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बबीता फोगाट के साथ मुकाबला कर लेगी? सोचा कैसे? ये तो सरासर नाइंसाफी से। देखिए जी, कोमल बबीता फोगाट के साथ कुश्ती न लड़ेगी। वाह, क्या बात। मतलब ये अच्छा है आप लोगों का, जब दिल में आए चुनौती स्वीकार कर लो और जब जी चाहे इनकार कर लो। मैंने पहले ही आगाह किया था ये मुकाबला आसान नहीं होगा, कहा था ना, लेकिन तब आपके बेटे ने मेरी एक बात नहीं मानी और चुनौती स्वीकार कर ली। खैर, अब जब आप लोग कदम पीछे हटा ही रहे हैं तो लगे हाथों ये भी बता दो, आपका जो ये बेटा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उस दिन कि अलावत खानदान की जुबान की भी कीमत होती है, तो हमें भी बताओ क्या है आपकी जुबान की कीमत। हाय राम, इस बलविंदर ने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। जो इब देवर जी ने मैच के लिए हाँ भर दी तो मैं कितने लाऊंगी बबीता फोगाट ने। अरे अब तो माँ जी ने भी अपने गांव के सरपंच जी से बात कर ली है, अब कदम पीछे हटाना मतलब गांव की तो बदनामी होगी ही, साथ में आपका पूरा खानदान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मतलब बाकी तो भाई आपका गांव, आपका परिवार, आपका फैसला। मारा फैसला सुनना है तो सुन लो, कोमल बिटिया बबीता फोगाट के साथ कुश्ती नहीं लड़ेगी। ना रघु, अब ऐसा ना हो सकता, क्योंकि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब अगर ये हमारे घर का मामला होता तो हम भीतर ही भीतर आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलटा लेते हैं, लेकिन अब तो ये बात गांव के मान और सम्मान की है, तो एक बार चुनौती स्वीकार कर ली उसे हटना उचित ना होगा। देखो भाई,
मेरा तो ये कहना है कि बलविंदर की बात में दम से हमें एब्स मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे यहाँ से कोई भी एक आदमी जाए आधिकारिक तौर पे जो फोगाट परिवार से जाके मिले उनसे बातचीत करे। वैसे जाएगा कौन? कमला तू क्यों ना चली जाती बातचीत करने के लिए? तेरा मामा उस सरपंच से है, बात भी आराम से हो जाएगी, सारी बातें समझ भी जाएगा। यो तो घनी मुसीबत होगी इब अगर फोगाट की छोरी आ गई लड़ने तो बड़गी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। कुछ भी करके मन ने लोगों को ऐसा करने से ना रोकना ही होगा। अब तम सब की यो इच्छा है तो मैं ही चले जाती हूँ बबाली गांव, नहीं बलाली गांव। हम अम्बे अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गई। ताऊ जी मन्ने लागे है इतने लंबे सफर में माजी को अकेले ना जाना चाहिए। मैं चलूंगी ना इनके साथ, मैं भी तो सिरसा की छोरी हूँ, इस गांव की दूत बनके मैं चलूंगी इनके साथ, इनका ध्यान भी रखूंगी। अम्बे ना ना कौन अब तू क्यों परेशान हो गए? मैं अपने साथ पिंकी ना लेकर जाऊंगी। कमला अगर पायल साथ जा रही है तो इसमें हर्ज केस है, जान देने साथ ले जा इसको भी। घर का काम भी तो है। अरे माँ जी घर का काम करने के लिए बड़ो और भरपाई है ना, वो कर लेंगे, एक दिन की तो बात है। चलो ठीक सर। माँ जी को सुबह सुबह हमारी याद क्यों आ गई? ये वापस बुलाने का इरादा तो ना से। हाँ माँ जी राम राम। इतना टाइम लागे से तने फोन उठाने में? हाँ देख ये मारे को ना कोई पाठ मत पढ़ायो, मैं सब जाने सु, लेकिन तू है ना वहाँ जाके सब भूल गई। तने नहीं पता कि कितना सारा काम हमारे माथे पड़ा से। तू जो भी कर कैसे भी कर आज की आज यहाँ घर आ जा और अनाज पिसवाने में हमारी मदद कर। अरे माँ जी आज तो मन ने कमला माँ जी के साथ बलाली गांव जाना से। देख पाए जो भी कहना है जो भी सुनना है ना मारे को तू घर आके सुना। हाँ मारे को बातों में मत उलझा, मैं फोन रख रही हूँ। अरे माँ जी बात ये माँ जी तो कुछ सुनने को तैयार ही ना से। इब मन कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। देख पिंकी बहू हमने कुछ भी करके हर हाल में पायल ना वहां जाने तक रोकना है। आए पायल कि तब ब्याह शादी में ना जा रहे जो इतनी देर लगा दी तने तैयार होने में। चलिब माँ जी मैंने आपसे घनी जरूरी बात करनी से। हाँ बोल। आपने बेरा है गांव भर में लोग आपकी कितनी बदनामी कर रहे हैं। हैं मेरी बदनामी हो रही है? हाँ मैंने कल ही चार लुगाइयों ने बात करते हुए सुना, वो लोग प्रज्ञा जी के बारे में बोल रहे थे कि सारा दिन मायके में पड़ी रहे। अच्छा यो बात से? ये मैं तो बल्कि वरदान ने अपने घर में मुनीम की नौकरी दे के इतना अच्छा काम कराया है। माँ जी आपने तो घना बढ़िया काम कर दिया पर लोगों के मुंह पे तो ताला ना लगता ना। वो तो यही बोलेंगे ना कि ताऊ जी सरपंच बन गए तो इब अपनी मनमानी करन लाग रहे, छोरी ने बिठा रखा है घर पे। लोगों की जबान ना हम बंद ना कर सकते। और मैं आपने एक बात बता दूं, ये लोग ही हैं जो अगले चुनाव में ना आपके लिए वोट देंगे। ये हम बात तो सही है, ये लोग वोट देवांगे। ये आज की बात ले लो, माँ जी का फोन आया था बकरियावाल से, उनको घना काम से घर में और गेहूँ भी पिसवाना से, तो उन्होंने बुला रही थी, मैंने बोला ठीक से मैं आ जाती हूँ। ठीक तो बात है यो, ये तू भी जार साथ ना प्रज्ञा को भी ले जा। ना ना माँ जी मन्ने तो लागे है कि म्हारी माँ जी ना प्रज्ञा जी ने बुलाना चाह रही थी। इब वो तो बिल्कुल गऊ है, अपने मुंह से तो बोल ना सके है, पर हमने तो समझना चाहिए ना, सारा काम अकेली के ऊपर पड़ गया है ना। आप एक काम करो प्रज्ञा ने भेज दो, इसी बहाने लोगों की जबान तो चुप हो जाएगी कुछ दिन वहां रह गई तो। यो तो घनी अच्छी बात है। या प्रज्ञा या किस मर
करके जल्दी आ बाहर निकल करके। ये हुआ माँ? हाँ प्रज्ञा, तने थोड़ा बहुत अपनी ससुराल का भी ख्याल है या ना? ये किस सोच में पड़ेगी? तेरी सास का फोन आया था, वह बिचारी पूरे घर में अकेली रह रही है और उसने नाज भी पिसवाना है, तेरी घनी जरूरत है, बुला रही है। तुम ऐसा करो, वरदान और तू दोनों चले जाओ और अपनी सास का हाथ बटा, आगे बात से बंद में। माँ जी, वरदान जी ने भी तो यहाँ पे बहुत काम से, और अकेले कैसे जाऊंगी मैं फिर? बस रहने दे, बहाने ना बनावे। अरे ना माँ, यो प्रज्ञा जी बहाने ना बना रही, मैंने सच में काम है, खेत जाके दो चार हिसाब किताब करने थे और बहुत सारे काम भी निपटाने, मैंने नहीं पता कैसे हो पाएगा। आप बेटा वो बात तो तेरी ठीक है, इव जमना ने प्रज्ञा की घनी जरूरत है, यो उसकी बहू है, इसका जाना जरूरी है, आखिर गांव वालों का वो। अगर तू ना जावगी तो यो कैसे जावगी? ओ जी, बड़ी महफिल शहफिल जमी हुई है, सानू भी दसो जी की होया। जट्टा जी, एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन आप आगे बढ़िया हो गया। अच्छा, और ये की होया दसो फिर। माँ जी, क्यों ना हम प्रज्ञा जी और जट्टा जी को बकरी आवाज भेज दें? वरदान, थोड़ा सोच समझ के बात करिया कर, है भला गैर आदमी के साथ कैसे भेज सके हैं हम अपनी छोरी ने? माँ, जट्टा जी कोई पराये तो है ना, इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हैं, अपने ही हैं एक तरीके से, और मारे को प्रज्ञा जी को जट्टा जी के साथ भेजने में कोई आपत्ति ना है, और वैसे भी घर में बाकी सब कुश्ती में व्यस्त है और बाकी और कोई काम करने में, तो इसके अलावा तो मैंने और कोई रास्ता ना दिखता। दामाद बाबू की बात तो सही से, जट्टा के साथ भेजने में कोई दिक्कत तो ना है, और फिर अगली बार मने भी तो सरपंच नहीं बनना है, तो कैसे भी करके प्रज्ञा को भेज के गांव वालों का मुंह भी तो बंद करना होगा। ठीक से बेटा जी, सा तेरी इच्छा है, बुर्रा जी एक काम करो, प्रज्ञा ने अपने साथ लेके बकरी वाल चले जाओ। ओके जी, ठीक है, आप कहते तो बिल्कुल ठीक है जी। बुर्रा, पिंकी आजा, और तू भी आजा। अम्बे, माँ जी कहिए तो गाना वाना कुछ बजा दूं। अम्बे शांति तो ना बैठा जाता तेरे पे, बड़ा आया गाने चलाने वाला। अगर यो चुड़ैल मारे साथ जावेगी तो इसने तो पता चल जाएगा कि मैंने बबीता फोगाट के बारे में झूठ बोलिया था, इब कुछ तो करना पड़ेगा। इब मने कोई भी पैतरा आजमा के इसे हमारे साथ जाने तो रोकना ही पड़ेगा। मन ने माजी को बलाली गांव पहुंचने से रोकना ही होगा, क्योंकि कमला माजी वहां पहुंच गई तो अपना कमाल दिखा के ही दम लेगी। माजी, मारे ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, सुबह जल्दी में नाश्ता जो ना किया, ये बाप कहो तो थोड़ा चाय नाश्ता पानी के लिए रुक जाएं। अब हाँ हाँ माजी, मन ने भी चाय पीनी थी। ड्राइवर साहब, कोई अच्छा सा ढाबा देख के गाड़ी ने रोक लिए, हमारी बहुत चाह पिएगी। जी माँ जी। माजी, चाय बड़ी अच्छी से ना, मन ने एक और पीनी से। अरे माजी, लोग बोले से यहाँ के पकोड़े घने स्वादिष्ट होवे से, मशहूर होवे से, आप बोले तो एक दो प्लेट लेके आ जाऊं। तने यो नाश्ता कम पड़ गया, तेरा झेंद ना भरा भी ताई। माजी, जब यहाँ के पकोड़े इतने मशहूर हैं तो हमें भी चख लेना चाहिए ना, है ना?
हमारा मतलब है कि फिर पता नहीं इस रास्ते से कब गुजरे है ना, तो छोड़ना ना चाहिए हमारे को लगे है। आम बे पायल, तने किसने मना करया है, जो तेरा मन करे खान का वो ही मंगवा ले, फिकर ना करे तू पेट भर के खा। भैया फिर एक काम करो, दो नहीं पांच प्लेट ले। ठीक ठीक। भगवान ही जाने आज किस दिशा से सूरज निकला से, कमला माजी ने तो झट से मारी बात मान ली, कहीं दाल में कुछ काला तो ना है। यो पायल भी ना बहुत चंट से मारे को बोली कि इभी आती सु, लेकिन इभी तक आई ना। मैं मदद करती सु। भग्या तू जीती रे खुश रे, वरदान नहीं आया के? ओ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जिंदा रहे खुश रहे। माँ जी वो बरदान जी ने बहुत काम था ना, इसलिए उन्होंने इनके जट्टा जी के संग मारे को भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, बाकी की बोरी है ना अंदर से। ओ जी आजी मैं लेके आता हूँ बुआ। देखिए भला यो पायल तो आज ठूस ठूस के खाए जा रही है, पेट फटेगा इसका, सारे गांव का खाके उठेगी। पायल अच्छी तरह पेट भर के खा लिए, शर्माने की जरूरत ना, जो भी जरूरत है मंगवा लिए। माजी आपने बोल दिया, मारा तो मन उसी में भर गया, अरे पेट तो खाने से भर ही गया था। इब मने यो बताओ कि बाथरूम कहाँ है? अब मैं बताती सुना, इधर इधर चलो। आ चलो भाई, यही खड़ी रहे, इतनी बात भी ना समझती है, कतैया कल की दुकान बन जी है, है? यो ही मौका है इस बोतनी से पीछा छुटवाने का, चल भाग ले। तो पाए भाभी। हाँ फटाफट चल। ओए हटो भाग ले। जी चल 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 आज। मामा जी मारे अखाड़े में फोगाट चोरी आवेगी तो मार तो भाग ही दान हो जावेंगे। एक बात होवे है के छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कोन्या कह रही सरपंच जी। इब के करूं? मैं ना ताऊ जी से बात कर सकती हूँ, मैं बोल दूंगी कि मन्ने वो मुकाबला नहीं करना, वैसे अब तक कुछ बिगड़ा तो ना से। देखो फोगाट जी की छोरी का पूरी दुनिया में कितना अच्छा नाम है, पर मारी बड़ो का भी कम ना है, पूरा हरियाणा बड़ी अच्छी ताई जाने है, बल्कि मारी बड़ो तो फोगाट जी बहनों को घनी पसंद करे है,
उनकी ताई कुश्ती करन लगी। यो सुन तो फोगाट जी बहुत खुश होवेंगे। मैं बात करता हूँ उनसे, अगर हो सकेगा तो एक चक्कर ताई गांव में भी लगा लेवेंगे। अरे ना पर, इब चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने पैर पीछे ना कर सकते। और वैसे ही मैंने लाग रहा से कि वो फोगाट जी थारसा लड़ने क्यों आएंगी, भला उनको तुझ में क्या दिलचस्पी। मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ लक्की जी कि आप जो बोल रहे हो वी सही हो, मेरा मन तो इसके आगे सोच ही ना पा रहा है। मम्मा जी ऐसा है, चक्कर क्यों लगाना, बल्कि कुश्ती करवानी है। तो घबराना, मैं जो तन्ने बोल रहा हूँ ना वही होगा, वो हमारे अखाड़े में बिल्कुल ना आएंगे।